उसमें कुछ ऐसी एक खास चीज़ मैंने इसके अंदर डाली गई है कि जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाल आपके काले कर देगा, नेचुरल काले कर देगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिना मेहंदी और बिना डाई के। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज जो मैं आप लोगों से रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, इस तरीके से आपके बालों में वॉल्यूम भी अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, साथ के साथ जो है डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और विटामिन ई का जो है बहुत अच्छे रिच मात्रा में आप लोगों को आज जो है फायदेमंद होने वाला है। उसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग टाइटल थंबनेल देख के तो गैस कर ही लिया होगा कि आज की जो रेमेडी है, कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को कुछ 6 मिनटों में, बस 5 मिनट में अपने बालों को काला कर सकते हैं। और बालों को काला करने का तरीका तो बहुत इजी और बहुत आसान तरीका। अगर किसी भी एंगल में आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाए, हेल्पफुल लग जाए, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और साथ के सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए, और उसमें जो मैं छोटे छोटे टिप्स आप लोगों से जो शेयर करने वाली वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आप लोगों को बिना शैम्पू के भी आपके बाल जो है चमकने लग जाएंगे, सुंदर होने शुरू हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज जो मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने वाली, वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, काफ़ी समझदार लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के गैस कर ही लिया होगा, और काफ़ी लोगों ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे थंबनेल को भी जो है कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी ऐसी वीडियोज़ में मेरे को कंप्लेंट भी आ रही है, काफ़ी लोगों के मेल आए मुझे कि कहा गया है कि मैम आपने जो वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसके थंबनेल ऐसा लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, यहाँ पर हमें अपना सिर्फ काम करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई किसका क्या कर रहा है। तो मैं तो है बिल्कुल जेन्युइन काम करती हूँ, कोई फेक रेमेडी नहीं। आप इसकी तरीके से जब यूज़ करेंगे तो देखिएगा रिजल्ट आपको बिल्कुल बेटर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बताते कुछ है लगाते कुछ है। तो चलिए मैं आज जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और बातें छोड़ के, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा आंवला पाउडर। आंवला पाउडर से इससे क्या होगा कि हमारे बाल नेचुरल काले हो जाएंगे, विटामिन सी से हमारा हेयर फॉल से हमें जो है हेयर फॉल से हमें बचाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डैंड्रफ और हेयर फॉल से हमें बचाएगा, तो साथ के साथ ये जो है हमारे सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा। तो मैं यहाँ जो है थोड़ा सा आंवला पाउडर ले रही हूँ और हमारे बालों को जो है नेचुरल तरीके से काला करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ मैं जो है थोड़ा सा आंवला पाउडर ले रही हूँ, और इसके बारे में जितना भी मैं बताऊँ वो कम होगा, क्योंकि बोलते हम ज़्यादा है पर उससे भी ज़्यादा अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, क्योंकि पहले के दादी नानी के नुस्खे होते थे कि आंवला पाउडर हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे खाने पान के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आज जो शुरू कर रही हूँ आंवला पाउडर से, सबसे पहले हम जो यहाँ लेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर के साथ साथ हम इसके अंदर लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो आप जो है किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और मैं यहाँ जो ले रही हूँ ममा अर्थ का एलोवेरा जेल है, अब आपको पता ही है काफ़ी अच्छा है ये, हमारे स्किन और हेयर के स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, एलोवेरा जेल में जो होता है विटामिन ई का जो है काम करता है, ये हमारे बालों को जो है स्मूथ करता है, सिल्की करा है, काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं पास करके आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, अगर आपको एक एक इसका जो है जेली टाइप में दिख रहा होगा, बस इसी तरीके से आपको इसको लेना है और इसको इसके अंदर ऐड करना है। वैसे तो आप रोज़ाना भी अगर अपने बालों पे जो है सिर्फ एलोवेरा जेल भी लगाते हैं और वॉश करते हैं, अगर आपके बाल छोटे हैं तो भी बहुत बेटर रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ अपने डेली जो है अपने जब भी बालों को वॉश करती हूँ तो एलोवेरा जेल थोड़ी सी देर पहले इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद देन अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है नारियल तेल लूँगी, ये देखिए नारियल तेल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलोवेरा जेल में इतना पूरा पोषण नहीं मिल पाता है जो हमारे विटामिन ई नारियल तेल से मिल पाएगा। तो मैं यहाँ जो है थोड़ा सा नारियल तेल ले रही हूँ, इससे क्या होगा कि हमारे बालों को पूरा पोषण मिलेगा। और गर्मियों में, सिर्फ गर्मियों की बात बताऊँगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग ऑयल से थोड़ा दूर भागते हैं, चिपचिपाहट लगती है, बहुत ज़्यादा जो है गंदगा अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं मम्मी हमारे तेल मत लगाइए, पापा हमारे तेल मत लगाइए, या हमारे पेरेंट्स हमें पेरेंट्स को कहते थे कि प्लीज़ तेल मत लगाओ, गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस आपको क्या करना है, ये ऐसे करके इस रेमेडी के अंदर लगाएंगे तो कोई भी आपको पता नहीं लगेगा और आपके पूरे बालों को पोषण मिलेगा। तो देखिए मैंने इसके अंदर ये ले लिया है, साथ के साथ अब मैं क्या लूँगी, अब बालों को नेचुरल ब्लैक करना है बिल्कुल, वो भी एक्सट्रीमली करना है। तो हम इसके अंदर जो लेंगे इंडिगो पाउडर, इंडिगो पाउडर जो होता है कि आप इससे दाढ़ी मूँछों को काला कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हम अपनी दाढ़ी को या मूँछ को, हमारे भौहें को, बालों को जो है काला कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं, अगर बिना मेहंदी के भी आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो है क्या है बालों को काला करने का तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। अब मैं देखिए यहाँ पर जो आधा चम्मच के करीब जो है
इंडिगो पाउडर भी ले रही हूँ, देख सकते हैं अच्छे से यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें ले ली है। अब इसके अंदर क्या है, पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास काला कत्था है तो आप उसको ले सकते हैं, काला कत्था अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप उसे स्किप कर दीजिए। अगर ब्राउन कत्था है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ काला कत्था तो है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि इसका लिंक तो मैंने काफ़ी जगह जो है प्रोवाइड भी किया है, आप फ्लिपकार्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पर जो है आसानी से इसको मिल रहा है। तो इसके जो है थोड़े मोटे मोटे कण आपको मिलेंगे, और आप जो है घर पे जब इसको ऑनलाइन मंगवा लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। तब आप इसे जो किसी कंटेनर में इसको सेव करके रख लीजिए, जब भी कभी आप अपने बालों पर कोई भी रेमेडी यूज़ करते तब आप इसे जो है ट्राई कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, और आपको जो है बिना मेहंदी के बिना डाई के जो है आप नेचुरल तरीके से फटाफट से अपने बालों को काला कर लेंगे। तो देखिए यहाँ जो है मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इनको मिक्स करने के साथ साथ क्या करना है, हल्का सा गुनगुना पानी ऐड ज़रूर कीजिएगा, पानी की मात्रा को बिल्कुल थोड़ा रखिएगा। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और मिक्स करने के बाद तुरंत आपको इसको नहीं लगाना है, आपको क्या करना है 5 से 7 मिनट के बाद ही से लगाइएगा। क्या होगा कि ये सारे जो पाउडर का फॉर्म है जो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद ही आप इसे अपने बालों पर ट्राई कीजिएगा। चाहे आप दादी नानी किसी के ऊपर भी ट्राई करेंगे, सबको ये जो बहुत ही अच्छा नुस्खा अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छा। आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और क्या कीजिएगा हफ्ते में इसे जो है 2 से 3 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट लगाना है, और आपको हो सके तो शैम्पू ना भी करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि आपके 1 से 2 दिन तक हो सके तो, अगर आपकी जब हॉलीडे है तो तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 से 2 दिन के बाद ही अगर बालों को अच्छे से जो है शैम्पू से वॉश कीजिएगा, क्या होगा कि आपके अच्छे से ये बालों में जड़ों में जाके जो अच्छे से रच जाएगा, अच्छे से ये जो है चला जाएगा, जिससे कि आपके बालों को जो पूरा पोषण मिलेगा और आपके बाल जो नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको एक तरह सा जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये एक पैक बन चुका है, हेयर पैक, बिल्कुल हमारे नेचुरल तरीके से बालों को काला करेगा, जिसे आप लोग जो इंटरनेट पे गूगल पे यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पे सर्च करते हैं तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर सर्च करते हैं कि हम अपने सफ़ेद बालों को घर बैठे कैसे काला करें, किस तरीके से बिना हम डाई से छुटकारा पा सकते, किस तरीके से मेहंदी से छुटकारा पा सकते, बस इसी तरीके से आपको सफ़ेद बालों को काला करना होगा। तो देखिए आपकी तो है मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ जो शेयर की सब ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाई गई है, और आप जो है इनको जो है कुछ ही मिनटों में अपने बालों को काला कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या कीजिएगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आपके एक लाइक से हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलता है और हम लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलती है कि इस तरीके से हम आप लोगों के साथ काम करते रहे। और प्लीज़ इसे जो है व्हाट्सएप पे ट्विटर पे फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे जब ये वीडियो देख रहे हैं आप तो इस तरीके का रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कलर का होगा रेड कलर का, तो उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड फिर से मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर। देखा आपने इसे बनाने का तरीका, लगाने का तरीका, सभी चीज़ें बहुत आसान है, आप जो है कुछ ही मिनटों में बना के अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। बालों को काला करने का तरीका इस तरीके से, तो आप लोग जो कुछ ही मिनटों में वो भी चुटकियों में आप जो है अपने सफ़ेद बालों को आधे घंटे में बालों को काला कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ इस तरीके की जो रेमेडीज़ मैंने आप लोगों से जो शेयर की बस इस तरीके से इसको बनाना है लगाना है, और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है जो मैं आप लोगों से जो शेयर करती हूँ बस इसी तरीके से इसको बना के आप अपने बालों पे आधा घंटा नहीं तो 15 से 20 मिनट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आप इसको जो है जितने कम समय में भी रखेंगे तब भी आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार इतना इसी तरीके से बनाए रखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।